हेलो दोस्तों वेलकम टू तो यूनारिया क्या आप एक ब्लॉगर या फिर कंटेंट राइटर हैं या फिर कभी ना कभी आप ईमेल का यूज़ करके आ, किसी को मैसेज करते हैं या फिर किसी भी मैसेंजर साइट का यूज़ करते हैं बात करने के लिए इंग्लिश में और आपने देखा होगा कि वहाँ पे अक्सर आपके ग्रामर मिस्टेक या स्पेलिंग्स मिस्टेक्स हो जाती हैं जो कि गलत इम्पैक्ट डालती हैं सामने वाले के सामने तो गलत इम्पैक्ट डालती हैं दूसरे पर तो मैं आपको बता दूँ आज जिस ऐप के बारे में बता रहा हूँ जिस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा हूँ वो उससे आपकी सारी जो मिस्टेक्स होती हैं ग्रामर की या फिर स्पेलिंग से या पंक्चुएशन मिस्टेक्स होती हैं वो चीज़ें सारी सही हो जाएंगी इस ऐप का नाम है दोस्तों ग्रामरली ग्रामरली क्या करता है आपकी जितनी भी ग्रामर मिस्टेक्स होती हैं और कोई भी एनी मिस्टेक जो भी आपने जैसे गूगल बोर्ड यूज़ करते हैं वहाँ पे आपको सजेशंस आते हैं वैसे ही ये भी वर्क करती है बट उससे ज़्यादा मच बेटर यूज़ करते हैं तो इसको डाउनलोड करते हैं और कैसे यूज़ करना है इसके बारे में बताता हूँ इसके लिए आपको गूगल प्ले स्टोर पर आना पड़ेगा और यहाँ पर आपको ग्रामरली टाइप करना पड़ेगा कुछ इस तरीके का आइकन आपको यहाँ पर शो होगा और ग्रामरली ग्रामरली यहाँ पर लिखा हुआ देखिए की बोर्ड ग्रामरली की टाइप विथ कॉन्फिडेंस यहाँ पे देखिए ये जो है ग्रामीण क्या है ये कीबोर्ड है कीबोर्ड के रूप में आपको मिलता है दोस्तों आपके मोबाइल में और इसको डाउनलोड करते हैं इस ऐप के बारे में थोड़ा बता देता हूँ ये 92 टू की ऐप है टोटल और 4.2 रेटिंग मिल चुकी है और 10 मिलियन डाउनलोड हो चुके हैं तो टेन मिलियन डाउनलोड्स होने का मतलब किसी ऐप का मतलब समझ सकते हैं दोस्तों कि काफ़ी अच्छी ऐप होगी ये यहाँ पर मैं इसको काफ़ी दिन से यूज़ कर रहा हूँ अपने ई को सेंड करने ई को लिखने के लिए और तो इसको डाउनलोड होने देते हैं और मैं आपको बताता हूँ इसको कैसे यूज़ करना है और मैं एक चीज़ आपको और भी बता देता हूँ कि ये आई वर्जन में भी अवेलेबल है अगर आप एक एप्पल यूज़र हैं तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे पी भी वर्जन में भी ये अवेलेबल है इसको डाउनलोड करने के लिए आपको पी वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा अपने सिस्टम या फिर लैपटॉप में और इसके बाद वहाँ पे भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं तो इसको होने देते हैं डाउनलोड और मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे यूज़ करना है दोस्तों हमारी ऐप हो चुकी है डाउनलोड और चलिए करते हैं इसको ओपन और देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ करना है यहाँ पर आप मैं बता ही चुका हूँ ऐप के बारे में तो ये इसको ओपन करते हैं मैंने यहाँ पर ऑलरेडी साइन इन कर लिया आपको यहाँ पर साइन इन करने के लिए तीन ऑप्शन मिलेंगे मेल से मिलेगा और अपने गूगल अकाउंट से मिलेगा दोस्तों और फेसबुक से मिलेगा तो यहाँ पे आप अगर आपको लगता है कि ये आप ऐप जो है वो आपकी प्राइवेसी से से प्रॉब्लम है प्राइवेसी का आपको लगता है कि डर है कोई तो यहाँ पे आपको मैंने इसका एक ऑप्शन दिया है टैब मेल के थ्रू आप कर सकते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया है तो उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा उस वीडियो को आप उसको वॉच कर सकते हैं एक प्राइवेसी एक प्राइवेट सिक्योरिटी के थ्रू आप लॉग इन कर सकते हैं यहाँ पे सिक्योर लॉगिन कर सकते हैं दोस्तों तो, तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लॉगिन कर लिया है और कीबोर्ड लुक एंड फील दोस्तों ग्रामरली सेटिंग्स से यहाँ पे लिखा हुआ अकाउंट से रिलेटेड यहाँ पे लिखा हुआ फीडबैक एंड ये ऑप्शन नॉर्मल इंटरफेस इसका है और चलिए इसको मैं इसको यूज़ करके आपको डायरेक्ट बताता हूँ इसके लिए मैं आप चलिए जी मेल पर चलता हूँ और एक यहाँ पर जी मेल मैसे मैसेज में करता हूँ खुद को ही यहाँ पर मैं आपको बता दूँ पहले कि आपको ये जो है ग्रामरली की बोर्ड आपको कैसे सेट करना है अपने टाइप करने के लिए तो आपको ये पता होगा नहीं मैं बता ही देता हूँ यहाँ पे मैंने स्पेस बटन्स को लॉन्ग प्रेस किया यहाँ पे एक पॉपअप खुल गया है डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड सेट करने के लिए अपना कीबोर्ड सेट करने के लिए तो यहाँ पे हिंदी जी बोर्ड और गूगल बॉयस टाइपिंग ग्रामली तो मैंने ग्रामली यहाँ पर सेट कर लिया आप देख सकते हैं और मैंने सेट करने यहाँ पर मैं अपना यहाँ पर अपना जी अकाउंट डालता हूँ और इससे एक जी सेंड करता हूँ एक मैसेज सेंड करता हूँ ख़ुद को आपको यहाँ पे जब ये यूज़ करेंगे तो मैं आपको ये बता दूँगा आपका नेट ऑन होना चाहिए इसको यूज़ करने के लिए कि मैं जैसे कुछ लिखता हूँ हेलो माय नेम यहाँ आप देख सकते हैं कि सजेशंस आने लगे हैं माय नेम देखिए माय नेम इज विशाल गुप्ता तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सजेशन आने लगा है कि आपको क्या क्या कैसे यूज़ करने देखिए है जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया कि मैंने शॉर्ट में जी लिखा था तो यहाँ पे इसने लिखा है चेक स्पेलिंग और यहाँ पे गुप्ता जो है गुप्ता का जी जो है इसने कैपिटल में कर दिया और इसको आपको सही चीज़ें दिखाएगा कि कैसे आपको कंटेंट राइटिंग में क्या चीज़ कहाँ पर इस्माल कहाँ पर स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में होना चाहिए ये भी आपको पूरा ये सजेस्ट करेगा और काफ़ी अच्छा ये है इसी तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं दोस्तों अगर आपको लगता है और मैं आपको इसके बारे में और थोड़ा बता दूँ ये आईओएस और एंड्रॉयड के लिए तो अवेलेबल है ही है दोस्तों इसमें आप इसको आप पी में भी यूज़ कर सकते हैं पी में इस यूज़ करने के लिए आप इसके ओरिजिनल वेबसाइट पे जाके इसको यहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं पीसी वर्जन में और वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे आपको ब्लॉग या फिर कंटेंट लिखने में जो भी मिस्टेक्स होती थी वो मिस्टेक्स पूरी खत्म हो जाएंगी इसके बाद आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कीजिए और इसको शेयर कीजिए अदर्स के साथ जो भी ऐसा जी मेल हो मुझे लगता है कि आई थिंक ग्रामर या फिर ऐसी स्पेलिंग मिस्टेक्स तो नहीं होनी चाहिए अगर आप एक कोई ऑफिशियल वर्क करते हैं और कोई भी ऑफिशियल वर्क नहीं भी करते हैं तो अगर आप मैसेज कर रहे हैं किसी को तो ये गलती सही नहीं होती है और अगर आपको लगता है कि मेरा मेरे अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियो आपके लिए अच्छी है इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी मिल रही है तो आप मेरे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक और इसको मेरे वीडियो को सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों और लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा और मुझे ये बताइए कि कमेंट में किस कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो को अच्छा लगा और किस ऐप का रिव्यू आपका आपको चाहिए किस ऐप के बारे में मैं आपको बताऊँ किसी ऐप के बारे में तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं इस ऐप का लिंक मैं ऑलरेडी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं डायरेक्ट और तो थैंक यू दोस्तों